आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों पर। यूपी के बांदा जिले के मजरा गोंडा में स्थित एक कच्चे मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर में रखे कपड़े और खाने पीने का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी लगते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और जानकारी के अनुसार जिस घर में आग लगी वह देव शरण यादव नामक ग्रामीण का बताया जा रहा है। जिस बीती रात यह घटना हुई है उस वक्त घर के अंदर लोग सो रहे थे। गनीमत रही कि आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे घर के सदस्यों को बाहर निकाला, वही ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कहा नाम है तुम्हारा? अच्छा, ये बताओ ये आग लगी है तो कैसे है आग लग गई है? हम खाना पीना खा के सो गए हैं, पता नहीं अचानक कैसे लग गई। जब पड़ोसी ने बताया तो उसके बाद हमें जगे, तो उसके बाद बुझाई गई है। अच्छे, हाँ। फिर बच्चे लेके हम बाहर गए, फिर वो मतलब गेहूँ था, चना और ये सब अगर था ये सब जल गया, कपड़ा छोटे छोटे बच्चन के सब जल गया है। अच्छे, हाँ ठीक है। कौन सा ये गाँव है? ये घोड़ा है। अच्छे, तो कोई आग लगने का कारण नहीं पता है कि कैसे लग गई है? नहीं, अचानक लगी है, इसे हमें मालूम नहीं कैसे लगी है। पता नहीं कैसे लग गई है, तो मालूम नहीं, अचानक लग गई है। सास ससुर सब बाड़ा में थे, उसके बाद आदमी भी नहीं घर में था। सास ससुर से दूर रहते हैं, तो उसके बाद जब जानकारी मिली तब हल्ला सब लोग, तब उसके बाद सास ससुर आए हैं, ठीक, तब सब लोग बुझाए। ठीक, पति का क्या नाम है तुम्हारा? नाम देव शरण है। ठीक ठीक, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुमित्रा। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा के बबेरू कस्बे में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में मौजूद अतिथियों ने नारी का महत्व बताया और कहा है कि नारी एक शक्ति का रूप होती है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है। सम्मेलन में अतिथियों ने महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल के साथ ही विजय विक्रम सिंह, अजय सिंह पटेल, रमाकांत पटेल, राजा दीक्षित आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से इस देश के प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली। सेवक के रूप में जैसे ही बागडोर संभाली, उन्होंने नारी सशक्तिकरण का, नारी वंदन का एक विशेष अभियान चलाकर योजनाओं से महिलाओं को जोड़ने का काम किया था। आज उसी के तहत सतत महिलाओं को योजनाओं के साथ, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन से समूह की महिलाओं से हो या किसी आवास से शुरुआत हो तो आवास में महिलाओं के नाम हो, विभिन्न प्रकार की योजनाएं महिलाओं से ही मोदी जी ने लिया। आज सभी बहनों को बैंक से जोड़ने का काम किया, व्यवसाय से जोड़ने का काम किया है, उनकी रक्षा, आत्मसम्मान और उनकी आत्मस्थान की चिंता की। आज उसी के सापेक्ष बबेरू विधानसभा के तहत ये नारी शक्ति बंधन अभियान का कार्यक्रम है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी नए संसद में नारी अधिनियम पारित करके उन्होंने देश की महिलाओं को संसद पर 33% का आरक्षण देने के लिए उन्होंने संविधान पारित किया है। इसके लिए मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में अपनी सभी माताएं बहने उपस्थित हैं। उनके उत्थान के लिए लगातार मोदी जी कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही माताओं बहनों का मोदी जी के प्रति आशीर्वाद बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ही हमारे बबेरू विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारे बबेरू विधानसभा में जो जो जनप्रतिनिधि निवास करते हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं और महिलाएं नेता उपलब्ध हैं, और ये महिलाओं को जागरूक करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए सौंपा है। इसलिए हम लोग नारी जगाने का काम कर रहे हैं। नारी में कितनी शक्ति होती है, वो क्या क्या कर सकती है, इस विषय को लेकर के हम महिलाओं को जगाना है और महिलाओं की भागीदारी रहेगी देश को बढ़ाने में, आगे ले जाने में, और इसको एक विशाल वृक्ष की तरह नारी शक्ति अपने उससे खड़ा करेगी, आगे बढ़ाएगी, बढ़ाए करके सबसे पहले विकास करेगी हमारे भारत देश के। मंडल अध्यक्ष आजादी महिलाओं का प्रयास है, आमंत्रित करते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।